हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 1.2 बेटा, एक्सरसाइज 1.2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम नहीं चुके गए, फर्स्ट मैं दोबारा करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज रिटन हियर, शो दैट द फंक्शन फ्रॉम जो है आर स्टार, कल भी ये मैंने बताया था, टू आर स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स टू है वो 1/x है इज 1:1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, इज दिस जो है ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय हमारे पास जो है एन विद कोड मेन बीइंग द सेम आर स्टार मेरे पास जो है। उसने कहा कि पहले तो हमने कल बता दिया था कि ये फंक्शन जो है मेरे पास 1:1 भी है और ऑन टू भी है, बट अगर उसने कहा कि मैं क्या करूं कि आर स्टार को जो है चेंज कर दूं विद नेचुरल नंबर ऐसे टू आर स्टार, कोड मेन सेम रखूं लेकिन डोमेन चेंज कर दूं, तो क्या ये मेरा फंक्शन जो है सेम मतलब 1:1 ऑन टू रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर मैं पुट कर रही हूं, सपोज चेक कर लेते हैं हम लोग, आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर स्टार है, आर स्टार मतलब कि मेरे पास जो है जीरो वाला एलिमेंट नहीं लेना, बाकी सब लेना है। कोड मेन में मेरे पास जो है क्या सिर्फ यूज होगा 1/2, 1/3, 1 भी यूज होगा, 1/4 सो ऑन, नेगेटिव वाले यूज नहीं होंगे, यानी यहाँ कुछ बच गए एलिमेंट्स, है ना, जब बच गए तो वो ऑन टू नहीं होता, तो दैट मीन्स 1:1 होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 उसकी 1 ही इमेज। बात समझ आ गई बेटा? चले चलिए बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे पास क्या है बेटा, देखिए, चेक द इंजेक्टिबिलिटी एंड सर्जेक्टिबिलिटी ऑफ द फंक्शन। बेटा इंजेक्टिविटी मतलब 1:1, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, और जो फंक्शन 1:1 ऑन टू होता है उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके जी, तो अब मैंने चेक करना है, पहला मुझे पार्ट दिया हुआ है एफ एन टू एन मेरे पास गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1:1। अब बेटा देखो ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है ना, रियल टू रियल होता, मैंने कल भी ये बात बताई थी, अगर रियल टू रियल होता तो मुझे टेंशन होती, या नहीं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ना, तो 1:1 होगा ना, क्योंकि पुट्टी मैंने पॉजिटिव करने है कि नहीं करने, मेरे पास यहाँ नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, अब 1 का स्केयर करूंगी तो 1, 2 का स्केयर करूंगी तो 4, 3 का स्केयर करूंगी तो मेरे पास 9, ये बीच में एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, यानी x square is equal to 5 किसी की भी इमेज नहीं होगी, नहीं होगी ना, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 5 किसी का भी इमेज नहीं ना होगी, किसी की भी नहीं हो सकती, तो दैट मींस मेरे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। एक तो तरीका ये था, एक तरीका ये भी मैं कह सकती हूँ, यहाँ एक्स्ट्रा बच रहे हैं, कोड मेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो आंसर क्या आएगा मेरा, नॉट ऑन टू। ओके, चाहे मैं यहाँ पर आर टू आर अगर करती, सपोज अभी है हमारे पास आगे ही क्वेश्चन है यहाँ पर, आई थिंक आर टू आर का उसी में है ना कवर हो जाएगा, हम अगला करते हैं फिर, ताकि आपको एक सीक्वेंस में पता चले, ठीक है। सेकेंड पार्ट मेरे पास जो है, देखिए f फ्रॉम z टू z सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटीजर टू इंटीजर, बताइए 1:1 है, अगर हम 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, -1 पुट करेंगे है ना, पहले 1:1 की बात कर रही हूं मैं, मेरे पास ये लीजिए ड्रॉ करके दिखा दूं, समय अंक को कंफ्यूजन हो गई मेरे पास,
और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहा मुझे, उन्होंने क्लियर कट जो है मुझे उन्होंने इंटीजर्स लिखे हैं। अगर मैं यहां पर ये देखें, 0, -1, -2, -3, -4 मेरे पास 1, 2, 3, 4 बेस्ट वे होता है अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। समय देखिए, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है। 1 का स्केयर 1 ठीक है, -1 का स्केयर भी 1। अब मुझे बताओ ये 1-1 है कि नहीं? नहीं है ना, फिर आप कह रहे थे 1-1 है, दिस इज नॉट 1-1। क्लियर? ठीक है ना, क्योंकि यहां पर देखो f(-1) भी 1 आ रहा है, f(1) भी 1 आ रहा है। -1 is not equal to 1 बेटा, x1 is not equal to x2, क्लियर कट है? ठीक है, तो ये 1-1 नहीं है। ऑन टू तो वैसे ही क्लियर कट पता चल रहा है। स्केयर करेंगे, स्केयर इवन पावर में आंसर ही पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव वाले बच गए इधर एक्स्ट्रा। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये मेरे पास जो है 1-1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं। ओके जी, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है, इफ आई राइट R2R, चलिए जी R2R, रियल टू रियल मेरे पास जो है यहां पर दे दिया, फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x)= x2 ही है। यहां पर भी यही प्रॉब्लम है, मैं -1 पुट करूंगी, -1 f(-1) पुट करूंगी, आंसर 1 ही आएगा। f(1) पुट करूंगी, आंसर 1 आएगा, सेम ही मैं जा रही है ना। बट -1 is not equal to, ऐसे ही f(-2) पुट करूंगी, आंसर 4 आएगा। f(2) भी पुट करूं, आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 1-1 नहीं है, ऑन टू तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्केयर में आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव वाले वो कंसीडर ही नहीं कर रहे। बात समझ आई बेटा? क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे? चलिए बेटा, तो मेरे पास नेक्स्ट बेटा, अगर मैं देखूं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मेरे पास जो है नेक्स्ट दिया हुआ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और मुझे फंक्शन दिया हुआ है x³। लेट अस सी, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और f(x) क्या दिया हुआ है, x³, यही दिया ना। अगर मैं देखूं, मैं f(1) क्लियर कट, मेरे को बेस्ट लगता है ऐसे डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना, इससे दोनों ही क्लियर हो जाते हैं फटाफट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर मैंने 1 आ गया, 8 लिख देती हूँ, सो ऑन, 27 लिख देती हूँ, सो ऑन चलता है, ठीक है ना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। पहले तो 1-1 की बात करूं, 1-1 है, क्लियर कट है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की तो वो कोई टेंशन ही नहीं होती है ना। अगर पावर 4 होती तो, अगर पावर बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर यहां होता इंटीजर टू इंटीजर, फिर पावर फोर वाला अगर पावर 4 होता तो 1-1 नहीं होता, लेकिन पावर 3 रहे तो तब वो होएगा, 100% 1-1 होएगा। ओके बेटा, क्योंकि f(-1) मैं बात कर रही हूँ इंटीजर टू इंटीजर, f(-1) का क्यूब -1 ही रहना, और f(1) का क्यूब 1 ही रहना, तब 1-1 होना था। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है नहीं? अब बेटा देखिए, ऑन टू ये जितने होते हैं ना, ऑन टू तो होते ही नहीं है ना, टेंशन ही खत्म, क्योंकि कुछ ना कुछ बचता है जो किसी का क्यूब नहीं होता, क्योंकि जो देयर आर नंबर विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर, तो वो बचते ही बचते ही। समझ आ गई बेटा? क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, इंटीजर टू इंटीजर मैंने पहले ही साथ ही करा दिया, ठीक है जी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आगे तो हम बच्चों को कहते थे एग्जांपल्स लर्न करो साथ में, क्योंकि जब नॉट वाला हो तो वो एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चैप्टर को हुआ एमसीक्यूज का, क्योंकि नो टेंशन, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो लेट अस डू,
the question number 3 from the book. Okay, prove that the greatest integer from R to R, real to real, given by f of x is equal to greatest function, is neither 1 1 nor 1 2, where x denotes the clear cut hai. पहले तो ये 1 1 क्यों नहीं है, मुझे रीजन बता दो. हमें तो क्वेश्चन कैसे आएगा, फंक्शन दे दिया, पहली ऑप्शन दिस इज 1 1, सेकंड ऑप्शन दिस इज 1 2, थर्ड ऑप्शन नाइदर 1 1 नॉर 1 2, फोर्थ ऑप्शन नन. हम सी वाली को करेंगे क्योंकि उसने प्रूव करने को कहा, मतलब ट्रू ही होगा, है ना. अब हम कैसे चूज करेंगे, सबसे पहले तो मैं 1 1 देखूं, मुझे क्लियर कट पता है. आपको मैंने आगे भी बताया था, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, 2 ही होता है, 2.6 वो भी 2 होता है, तो क्या 2.5 2.6 के इक्वल है, नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है. अब ये 1 2 भी नहीं है, मुझे पता है, मैंने एग्जांपल लिया ना. आप 3.1 ले लो, का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3, 4, 3.6 ले लो, 3 कैसे निकालते है? नहीं पता, मैं बताऊं, हम जो भी नंबर दिए ना वो देखते हैं वो किस इंटीजर के बीच में लाई करते हैं, उसका लेफ्ट वाला लेते हैं. मान लो -3.1 था, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, लेस देन इक्वल टू -3, आंसर -4 आएगा, ठीक है जी, हमेशा लेफ्ट वाला. ओके, तो अब बेटा मेरे पास हो गए 1 1 नहीं है, ये तो क्लियर कट पता चल गया हमें, लेकिन 1 2 जब भी आंसर आना है ना, इंटीजर ही आना है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए. डेसिमल वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर का कभी भी आंसर नहीं होता. हमें क्या दिया, मैपिंग रियल टू रियल, यानी डेसिमल वाले बच गए, यानी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो 1 2 है ही नहीं, ठीक है क्या ना, क्लियर, सबको बात समझ आ गई बेटा. प्रूफ तो करना ही नहीं, क्वेश्चन हमने अब एमसीक्यू करना है, तो बेटा उसके लिए भी हम एग्जांपल देते हैं ना, वी गिव द एग्जांपल. जब भी पेपर में कोई नॉट वाली चीज नहीं होती तो हम एग्जांपल देते हैं, यही एग्जांपल देके हम प्रूफ करते थे कि यहाँ पर अगर हम देखे, मेरे पास एग्जांपल मैंने दिया, ये 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल दे दिया, क्योंकि 3 3 इक्वल है तो 3.1 3.6 इक्वल होने चाहिए, बट नहीं है, 1 1 की ये नहीं कर रहा. और क्या कहते हैं, 1 2 के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर रेंज जो है वो हमेशा क्या आ रही है, इंटीजर्स, लेकिन हमें कोडोमेन क्या दिया है, रियल, तो इंटीजर इज नॉट इक्वल टू रियल, सो दैट्स व्हाई. ओके, चलिए कम टू नेक्स्ट. मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि आगे हम नॉट वाले में एग्जांपल्स देते थे, अब तो है ही एमसीक्यू, तो टेंशन ही नहीं कोई इसमें, तो ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है 4th, देखिए, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन जो है एफ फ्रॉम आर टू आर, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स, इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2. अब बताइए 1 1 क्यों नहीं है, बिल्कुल जी, अगर मैं मॉड ऑफ 1 लूं आंसर 1, मॉड ऑफ -1 लूं आंसर 1, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो जिस पे किया वो भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ सेम नहीं है ना, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो ये मेरे पास 1 1 नहीं है. अब बात करें 1 2 की, क्लियर कट पता चल रहा है, मॉड के आंसर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. अब जब पॉजिटिव है तो दैट मींस मेरी रेंज आर प्लस होगी, आर प्लस हुई ना, बट कोडोमेन क्या है, आर, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये 1 2 नहीं. मैंने इसकी रेंज निकाली, रेंज का मतलब है आउटपुट, आंसर कैसे आते, तुम मॉड में जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, इसका आंसर हमेशा क्या आना है, चाहे तुम √3- पुट कर दो, आंसर √3, ठीक है, तुम √3 पुट करो, आंसर √3,
आप माइनस टू पुट करो आंसर टू, आप माइनस वन बाय टू पुट करो आंसर वन वन, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी आउटपुट कैसा आ रहा है पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। हमें कितना दिया था आर, ये कोड मेन होती है, दिस इज रेंज, क्या कोड मेन रेंज के इक्वल है, ये कोड में ये रेंज नहीं इक्वल है क्योंकि उसमें नेगेटिव वाले बच रहे हैं ना, तो दैट मींस कि वो ऑन टू नहीं। प्रॉब्लम क्लियर हुआ बेटा पक्का सबको, ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा सबको क्लियर है, अभिनूर सृष्टि हंसिका दिव्यालीन, ओके चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है सिग्मम फंक्शन, हमने प्लस वन में सिग्मम फंक्शन किया है, अब बेटा जरूरी नहीं है पेपर में स्टेटमेंट आए, वो ऐसे भी कह सकते हैं द सिग्मम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डैश, मेरे पास नीचे ऑप्शंस दे दें वन वन ऑन टू, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो आपको सिग्मम फंक्शन लर्न करना है क्योंकि इट्स अ स्टैंडर्ड फंक्शन, ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन आपको पता मॉड एक्स होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है कि वो स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है ना, तो इन सबको आपको नाम भी पता होने चाहिए फंक्शन भी। सिग्मम फंक्शन आपको पता है, आप लोगों ने प्लस वन में किया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो गए वन जीरो माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स इक्वल टू जीरो, इफ एक्स लेस देन जीरो। अब आप खुद सोचिए सारे, मैं जीरो से बड़ी कोई वैल्यू ले लूं, मान लो मैंने वन ली, एफ ऑफ वन पे भी आंसर वन है, एफ ऑफ टू पे भी वन है, एफ ऑफ थ्री पे भी वन है, क्या टू थ्री वन आपस में इक्वल है, नहीं है ना, तो क्या ये वन वन हुआ, नहीं, मैपिंग मेरी थी आर टू आर, दिया हुआ है मेरे पास जो गए एफ फ्रॉम आर टू आर, अब मुझे इसका आउटपुट बताओ, इसकी रेंज क्या, चलो आउटपुट वर्ड ना बोलो, वेरी गुड, हमारे पास तीन ही आंसर्स आने हैं, तुम जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, क्या वन जीरो माइनस वन, यानी इसकी रेंज जो है वो मेरे पास ये है, बट कोड मेन क्या दिया हुआ है आर, क्या ये इसके इक्वल होंगे, ऑन टू भी नहीं, कितना इजी हो गए क्वेश्चन, हम मैन्युअली कर रहे हैं, देखो बात समझ आई, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पर होगी बहुत जरूरी है, ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अब मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स मेरे पास हो गए बुक में से, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगर ए मेरे पास वन टू थ्री है, बी मेरे पास फोर फाइव सिक्स सेवन, एफ मेरे पास वन फोर टू फाइव थ्री सिक्स, वन फोर टू फाइव थ्री सिक्स, ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ओके जी, ए दिया बी दिया और दिया, मेरे से पूछा गया है कि मेरे पास ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, हाँ जी वन के लिए इमेज अलग है, टू के लिए इमेज अलग है, थ्री के लिए इमेज अलग है, सिंस डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज, सो दिस इज वन वन, ठीक है जी, देख के ही पता चल रहा है ना, चलिए अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर देखिए सेवन, चलो बेटा अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर देंगे मुझे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, वन वन भी होना चाहिए ऑन टू भी होना चाहिए, अब एफ फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस फोर एक्स, चलो बेटा कौन देगा, एक बच्चा तो पहले ही चला गया, हाँ जी टर्न बाय टर्न अपने आप दे दीजिए जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट,
हाँ जी अभिरूप बेटा आंसर दीजिए, इज इट वन वन ऑन टू और नॉट? हाँ जी राणा, यस मैम, इट इज वन वन एंड ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कैसे पता चला बेटा वन वन एंड ऑन टू है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव डिफरेंट आउटपुट। बिल्कुल, एक्स की वैल्यू वन पुट करूंगी तो बेटा माइनस वन आएगा, एक्स की वैल्यू टू पुट करूंगी तो अलग आंसर आएगा, माइनस वन पे अलग आएगा, माइनस टू पे अलग आएगा, तो वन वन है। ऑन टू के लिए Every image has unique pre-image. बिल्कुल, हर एक की इमेज के अकॉर्डिंगली जो है सेट आर में जो है वो प्री इमेज है, तो 100% मेरे पास जो है ये क्या है? वैसे भी आप इसकी रेंज कैलकुलेट कर लो, ऑल रियल, और कोडमेन भी क्या दिया है, ऑल रियल है ना, तो मेरे पास जो है 100% ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो दैट मीन्स बाइजेक्टिव हो गए। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, वहां स्टार उसने मेंशन कर दिया, आर स्टार मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर, दे मेंशन इन द क्वेश्चन, देखिए मतलब हम जीरो नहीं ले सकते, जीरो फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि वन बाय एक्स दिया था तो वो वन बाय जीरो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता ना, इसीलिए। ओके बेटा क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरे पास जो है एट्थ क्वेश्चन, अच्छा सेकंड करें सच, इसका सेकंड पार्ट पढ़ा हुआ है अभी, एफ ऑफ एक्स आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बोलो, अच्छा वन वन नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं वन पुट करूं तब भी आंसर टू आता है, माइनस वन पुट करूं तब भी आंसर टू ही आता है, तो वन वन नहीं है ऑन। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो मर्जी वैल्यू पुट करे माइनस वाला कभी आंसर ही नहीं आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो वन से बड़ा ही आएगा, वन या वन से बड़ा ही आएगा ना, अगर ये एक्स जीरो भी ले लेती वन आएगा, उसके बाद जो मर्जी पुट करती जाऊं आंसर हमेशा वन या वन से बड़ा आएगा, दैट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड मेन, तो 100% ही ऑन टू भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट। चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर एट, जो है मेरे पास एक मैपिंग दी है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी जो है वो बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव है मतलब 100% ये क्या है, वन वन भी है ऑन टू भी है। अब बेटा मेरे पास ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं, क्लियर कट है, अगर मैं एफ ऑफ यहाँ एक्स वन वाई वन लूंगी तो यहाँ वाई वन एक्स वन आ गया, एफ ऑफ एक्स टू वाई टू लूंगी तो यहाँ वाई टू एक्स टू आ गया, आया? अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन वाई वन इसको इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वाई टू लू दैट मीन्स वाई वन एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू एक्स टू, तो क्लियर कट है, दो पॉइंट्स अगर इक्वल होती हैं तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होता है, वाई वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होता है, तो वाई वन इक्वल टू वाई टू एंड एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो दैट मीन्स क्लियर कट है, एक्स वन वाई वन कंसिडर किया, एक्स वन किसके इक्वल है एक्स टू के, ये दोनों बराबर आ गए, तो दैट मीन्स वन वन है ना ऑन टू, हर एक एलिमेंट की जो है प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी, करती होगी ना, अगर वन टू लिया तो यहाँ टू वन आएगा, यहाँ पर थ्री फोर लिया तो यहाँ फोर थ्री आएगा, हर एलिमेंट की कहीं ना कहीं, अगर इधर फोर थ्री है तो इधर थ्री फोर होगा ही होगा, हर एक की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है ना, कोई नेगेटिव पॉजिटिव की यहाँ कोई चक्कर ही नहीं, तो दैट मीन्स 100% मेरे पास फंक्शन कैसा है ऑन टू है, तो दैट मीन्स बाइजेक्टिव। समझ आ गई बेटा बात, क्लियर, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर जो है नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन नंबर में
मेरे पास क्या दिया हुआ है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ जी, इफ एफ मेरे पास जो है नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय मेरे पास एन प्लस वन बाय टू, एन इज ऑड, एन बाय टू एन इज इवन। अब उसने कहा चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, कल कंप्लीट करेंगे, टाइम ओवर हो गया है एंड द सिलेबस इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, फर्स्ट टर्म सिलेबस इज कंप्लीटेड नाउ, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड मैं वन डे बिफोर आई विल सेंड यू द एमसीक्यूज। ठीक है, और प्लीज मैनेज एग्जाम्पलर बुक सबसे पहले उसी में से करवाएंगे, क्योंकि आप मार्केट में कोई भी बुक अगर देखते हो तो एग्जाम्पलर में से ही।